हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। दोस्तों, एक्साइट कंपनी का फाइनली हमारे पास में प्रोजेक्ट डन हो गया है और एक्साइट कंपनी के लिए आप लोग आराम से कंपनी आ सकते हो। ये वही कंपनी है जिसमें एक वर्कर्स पिछले महीने एक सैलरी स्लिप भेजा था जिसमें 32,000 रुपीज़ अर्निंग हुआ था। जो लोग इस कंपनी में काम किए हैं वो लड़के लोग जो छुट्टी लेकर के घर पे आए थे वो दोबारा जाने के लिए तैयार है, लेकिन कंपनी उसके ऊपर बाउंडेशन दिया था, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। वो एक महीने के में छुट्टी लेकर के आए थे इसलिए वो दोबारा उस कंपनी में नहीं जा सकते और कंपनी ने ब्लैक लिस्टेड किया है। देखिए, पछतावा जब होता है इंसान को जब वो गलती कर बैठता है। वही तीन तीन महीने से लड़के लोग काम कर रहे हैं और तीन तीन महीने से बहुत अच्छे खासे वो पैसे कमा रहे। किसी महीने उसका 24,000 पेमेंट आता है और 32,000 भी कमाने वाले एक लड़के ने कमाया था, उसके बाद में 28,000 रुपये भी पेमेंट आए। तो पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बताओ, सो के बैठ के उठ के कोई पैसा नहीं देता है कि नहीं? आप लोग कहते हो कि हम वीडियो में ज़्यादा बकवास करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं। हम सही बोलते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, मैं खुद बखुद मुझे पता है कि मैं सही बोलता हूँ और सही लोगों को एडवाइस देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न एक ही है। आप कंपनी में जाते हो काम करने के लिए, आप घर पे पड़े हुए हो, सोए हुए हो और आप ये सोचते हो कि मैं जाऊँगा 28,000 कमाऊँगा, 20,000 घर पे भेजूँगा, 8,000 का ऐश मौज करूँगा। अरे भाई, वो 28,000 रुपये कैसे कमाई होगा वो तो सोचो ना। 28,000 रुपये कैसे कमा सकते हो? वो वहाँ पे ओवर टाइम करके कमा सकते हो। ओवर टाइम करने में शरीर को निचोड़ना पड़ता है, काम मेहनत से करना पड़ता है। कोई भी कंपनी में बेसिक सैलरी कम ही होता है, लेकिन इस कंपनी में बेसिक सैलरी भी 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये बेसिक सैलरी है, साथ ही साथ ओवर टाइम 133 रुपये प्रति घंटा है और इसका प्रोजेक्ट फाइनली डन हो चुका है। ना तो सैलरी का आपको प्रॉब्लम होगा इस कंपनी में और ना ही किसी भी प्रकार की असुविधाएं होंगी। रहने के लिए रूम की व्यवस्था पूरा कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है वो अरेंजमेंट करा देंगे, सैलरी के साथ आपका पैसा कटेगा रूम का। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हो सकता है ये वीडियोज़ का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा जाए, लेकिन हम एक एक डिटेल्स आपके साथ में शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि शॉर्टली वीडियो बना दिए जिसमें आपको ना तो कोई इन्फॉर्मेशन मिला, ना तो कोई सही से जानकारी मिला और आप देखे भी तो कुछ नहीं समझे। ऐसा काम मेरा नहीं होता। हालांकि इस प्रोजेक्ट पे अभी हम लोग काम करने के लिए इच्छुक हुए हैं और काम करने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग भी तैयार रहिए। ज़्यादा हमारे पास में इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 25 से 30 लोगों का रिक्वायरमेंट है। 25 से 30 लोग ही कंपनी में चाहिए, मतलब कि जितने भी सारे कैंडिडेट इस कंपनी में काम करना चाहते हैं 25 से 30 लड़के इमीडिएटली आके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग 18 साल 19 साल वाले लड़के लोगों को प्राथमिकताएं बिल्कुल भी नहीं देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो फ्रेशर्स होगा उसको कभी भी हम लोग प्राथमिकताएँ नहीं देंगे। इस कंपनी में जो सबसे ज़्यादा ड्रामा करने वाले लोग होते हैं ना, वो फ्रेशर्स ही होते हैं। कभी काम नहीं किए, एकाएक मेहनत पड़ा, एकाएक लोड पड़ा और एकाएक काम करने लगे तो उनके मन में बहुत सारे एक्सक्यूज आते हैं, बहुत सारे निगेटिव विचार आते हैं। लेकिन जो काम करने वाले रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, इसमें वो लोग टिक पाते हैं जिसका उम्र 25 से लेकर के 35 साल के बीच में है और वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। एक लड़का है 26 साल का, वो 32,000 रुपये महीने का उठा रहा है। वो अपने फैमिली को मैनेजमेंट अच्छे से कर रहा है। 25,000 इसका पिछले महीने में आया था, 25,000 उससे पहले महीने में आया था 32,000 और उससे पहले महीने में आया था 18,000। मतलब तीनों में डिफरेंट सैलरी के स्ट्रक्चर्स थे। ओवर टाइम मिलता है एज पर कंपनी के हिसाब से, आप कंपनी में बेहतर काम करोगे सब कुछ मिलेगा। तो इसके बारे में हम अभी आते हैं, फुल डिटेल्स शेयर करते हैं। ध्यान से समझिएगा, कौन से रेलवे स्टेशन का टिकट लेना है, कैसे विजिट करना है और आपके ऊपर एक लीगल बाउंडेशन भी रहेगा। अगर इसके बाद ये बाउंडेशन अगर इनफैक्ट कि आप छोड़ देते हो, इसके बाद एक्साइट कंपनी जो पुणे महाराष्ट्र का है वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ों को समझना आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटीज़ होती है, प्राथमिकता होती है। आपको लगता है कि हाँ, ये कंपनी में मुझे जाना चाहिए, अच्छे पैसे कमाने चाहिए, तो डेफिनेटली जाइए। वरना आपके पास में कोई ये नहीं है कि हाँ आपको जाना ही जाना है। मैं कोई ऐसे प्रेशर नहीं दे रहा हूँ इसमें जाने के लिए। अभी मैं एक ग्रुप में अपडेट करूँगा ना, अभी 30 लड़के जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि 30 लड़के ने तकरीबन हमारी टीम मैनेजमेंट को कॉल किया, 30-35 लड़के ने,
कि सर एक्साइड का वैकेंसी कब ला रहे हैं, एक्साइड में अच्छा खासा सैलरी है, हमारे घर के बगल का लड़का 25,000 रुपये कमा रहा है। तो सही है, ये सही है। चलिए इसके बारे में डिटेल देते हैं। कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये एक लिमिटेड कंपनी है और आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी का पैकेज रहता है। अभी तक हम जितने भी सारे जॉब्स के एडवर्टीजमेंट करते हैं उसमें जो कंपनी के अंदर काम होता है 10th 12th ITI का, उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी जो है सो एक्साइड कंपनी में, ये कोई गलत बात नहीं है। कंपनी का लोकेशन है E5 मिडिक नियर सुभनिया मोटर्स मिडिक अहमदनगर महाराष्ट्र। तो ये जॉब्स जो होने वाला है ये अहमदनगर महाराष्ट्र में होने वाला है, मतलब कि जितने भी सारे लोग अहमदनगर महाराष्ट्र में काम करना चाहते हैं उसके लिए सुनहरा मौका है। आप लोग डायरेक्टली अहमदनगर महाराष्ट्र का टिकट कर सकते हो, आपको रेलवे स्टेशन का जो नाम होने वाला है अहमदनगर महाराष्ट्र है, तो आप लोग अहमदनगर का इमीडिएटली टिकट कर सकते हो। लेकिन टिकट करने से पहले आपका जो है पूरा वेरीफाई होगा, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है, जिस सर का नंबर दूंगा वहाँ पर आपका आधार कार्ड का फ़ोटो भेजना है, अपना नाम नंबर भेजना है, ये सारी चीज़ें भेजनी है। उसके बाद अगर आप वेरीफाइड हो जाते हो कि हाँ आप कंपनी में आ सकते हो तो उसके बाद में आपको जाना है, ऐसा नहीं कि पहले जाना है। तो आपको पहले रेलवे स्टेशन का टिकट नहीं करना जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ना हो, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा आप नहीं आ सकते। आपको आ जाओगे कंपनी के गेट पे रिटर्न जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना मैंडेटरी। अगर सर बोल दिए आपके विचार से लगा, आपके बात से लगा कि हाँ आप काम करने वाले इंसान हो तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाओगे। 30 लड़के की हायरिंग है, लड़कियाँ इसमें नहीं चलेंगी, सिर्फ 30 कैंडिडेट की हायरिंग है। और आपको पता है इसमें लड़के लोग ही चाहिए होता है। डिपार्टमेंट रहेगा प्रोडक्शन। अब देखिए आप लोग वहाँ पे जाने के बाद ये मत कहिएगा कि मुझको पैकिंग डिपार्टमेंट में लगा दीजिए, मुझको स्कैनिंग में लगा दीजिए, मुझको क्वालिटी में लगवा दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी में सुपरवाइज़र अगर बोलेगा कि आपको ऑपरेटर का काम करना है, मैंने इसलिए बोला है प्रोडक्शन ऑपरेटर का काम है, मैं कुछ भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहता। मैं सोचता हूँ कि जो लड़के जाए मेहनत से काम करके पैसे कमाए। ज़िंदगी में अगर भाग दौड़ बना रहेगा, इधर से उधर भागोगे उधर से उधर भागोगे, कभी सक्सेस नहीं होगे। कुछ पैसे मिल जाते हैं इधर से उधर जाने के लिए गार्जियन के तरफ से, क्या गार्जियन को अच्छा सोच नहीं होता? गार्जियन नहीं सोचते हैं कि हाँ हमारे बच्चे एक जगह पे सेटलमेंट हो जाए, सोचते हैं लेकिन डर से नहीं बोलते, क्योंकि आप उनके ऊपर चढ़ने लगते हो क्योंकि आप बड़े हो जाते हो ना, इसलिए। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम है, क्वालिफिकेशंस में है 10th 12th ITI पास, 10वीं 12वीं चलेंगे इसमें, लेकिन एज़ फॉर ITI रिक्रूटमेंट के हिसाब से तो ITI में 70% लड़के चलेंगे और जो है सो यहाँ पे 10th 12th में 30% चलेंगे, मतलब कि 20 ITI में चलेंगे और 10 मोटा मोटी 10 से 5 10 से 10th 12th का लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ITI जो किए हैं उनको पहले प्रायोरिटी एंड प्राथमिकताएं दी जाएंगी। और जॉब रोल रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, एज 18 से 35 साल रहेगा, यानी कि मिनिमम 18 है मैक्सिमम 35 ईयर्स है, तो 18 से 35 साल तक के बीच में उम्र सीमा होना चाहिए। देखो सैलरी CTC जो है 14,999 यानी कि 15,000 रुपये CTC आता है, जिसमें PF ESIC और PT का डिडक्शन होकर के 13,000 रुपये इन हैंड आते हैं 8 घंटे का। अब मेन बात यहाँ पे स्टार्ट होता है कि आपने बोला था कि 32,000 लोग कमा रहा है, वो कैसे कमा रहा है? 8 घंटे का आपको 13,000 मिलेगा। कंपनी में प्रोडक्शन महीने में ज़रूर है कि 15 दिन बहुत हाई जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ पे समझने वाली बात ये आती है कि 15 दिन प्रोडक्शन बहुत हाई जाता है। 15 दिन तो प्रोडक्शन, जब जाओगे काम सीखोगे धीरे धीरे काम सीख जाओगे तो 15 दिन में हो सकता है प्रोडक्शन हाई हो सकता है जाओगे और प्रोडक्शन हाई रहेगा तो ओवर टाइम करने का मौका मिले, तो मौका मत चूकने देना। ओवर टाइम 133 रुपये प्रति घंटा है, 133 रुपीज़ पर आवर्स, और 133 रुपये प्रति घंटा ओवर टाइम है, 8 घंटे कंटिन्यूसली ओवर टाइम की फैसिलिटीज़ मिलती है प्रोडक्शन हाई रहने पे। और ये आप लोग मत सोचिए कि हाँ 8 घंटे OT करेंगे मेरा तबीयत ख़राब हो जाएगा, हाँ हो जाता है स्टार्टिंग पीरियड्स में, बहुत सारे लोगों का हो जाता है, वो ओवर टाइम ज़्यादा नहीं करते, 2-4 घंटा करते हैं बस, लेकिन 8 घंटे ओवर टाइम करते हैं ना, तो कैलकुलेशन खुद लगाओ कि 1,000 रुपये से ज़्यादा सिर्फ ओवर टाइम का पर डे बेसिस में बनता है। अगर 15 दिन ओवर टाइम कर लिए तो 15,000-20,000 ऐसे लोग कमाते हैं ओवर टाइम से, 15 से 20,000 ओवर टाइम से कमा लेते हैं सिर्फ 15 दिन में,
और उस हिसाब से बेसिक सैलरी जोड़ लो तो 13,000 इधर हो गया, इन हैंड 28 से लेकर के 33,000 रुपये तक लड़के लोग कमाते हैं इसमें। ये कोई फेक बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमने जो लड़का भेजा है पहले इस कंपनी में ऑलरेडी लड़का लोग मेरा काम कर रहा है, तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ में। और इसमें कंपनी फैसिलिटी में रूम जो है सो मिलता है रेंटल, सैलरी के साथ में पैसा कटता है रूम का, और कैंटीन जो है 450 रुपये महीने में ब्रेकफास्ट और चाय खाना मिलता है। ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता मिलता है, खाना मिलता है और चाय मिलता है। अब मैंने खा के नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता है कि वहाँ का खाना का कंडीशन कैसा है, लेकिन मैंने जो सुपरवाइजर से पूछा है वो बोले है बेस्ट है, बस की सुविधा इसमें नहीं है। तो कहने का सिंपल सा बात है कि रूम की फैसिलिटी मिल रही है, कैंटीन कंपनी में मिल रहा है, एक टाइम का खाना आपको खुद से करना है या फिर आप किसी होटल में देख सकते हो। तो मेरे कहने का सिंपल सा तात्पर्य है और सिंपल सा बात यह है कि जब काम करने का आपका माइंड फोकस कर लिया है और आप काम करने के लिए सोच रहे हैं तो एक साइड आपके लिए बेस्ट है, लेकिन बेस्ट उसी कंसेप्ट पे है, बेस्ट उसी तरीके से है जब आप मेहनत करोगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, जीवन में कुछ भी चीज़ें हासिल नहीं होती। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ से सारी चीज़ें सुन के जा रहे हो कि मुझे प्रोडक्शन ऑपरेटर का काम करना है, 8 घंटे का 13,000 सैलरी है, ओवर टाइम करेंगे तो 25,000 से 35,000 रुपये के बीच में बनेगा, लेकिन ओवर टाइम करने में भी पसीने छूटते हैं, शरीर जो निचोड़ता है नींबू की तरह निचोड़ जाता है शरीर, मेहनत करते हैं लोग लेकिन ऐसा नहीं कि नींबू की तरह निचोड़ा जाता है तो उसका सेहत पे इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं, मेंटेनेंस करो शरीर का, सूखा मेवा ले लो आप जो है सो काजू ले लो, पिस्ता ले लो, बादाम ले लो, ये सब लो ले के खाओ, फल फूल खाओ। जब मेहनत करते हो तो पैसा कुछ शरीर पे भी एक्सपेंड करो, इससे शरीर की मजबूती भी बरकरार रहेगी और आप पैसे भी कमाओगे, है ना। अगर मान लो कि फल एक पौधा है, बहुत सारा फल दिया, उसमें पानी डालना बंद कर दोगे तो या तो वो फल जो है सूख के गिर जाएगा, वो पकेगा भी नहीं सही से तो फल सूख के गिर जाएगा, या फिर पेड़ ही सूख जाए। तो आप अपने जीवन में हरियाली बरकरार रखो, आप अगर सही रहोगे ना लाखों रुपए कमाओगे। और आप अपने शरीर के ऊपर किसी भी कंपनी में जाते हो फुल मेंटेनेंस करो, पहले अपने शरीर को देखो, जो पैसा बचता है वो घर पे भेजो। मैं ये नहीं कहता कि हाँ दारू पी लो, शराब पी लो, धूम्रपान कर दो, बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीज़ें एक बहुत ही वाहियात चीज़ है और इससे अगर आप पकड़े जाते हो कंपनी में, कंपनी से धक्के मार के आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आप लोग शराब पीते हो, दारू पीते हो और उस टाइम में कंपनी से पकड़े गए तो निकाल दिया जाएगा। हम लोग इसमें 1% भी हेल्प नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप लोग को जॉब चाहिए और 100% रियल जॉब चाहिए, आप लोग को मैं सावधानी पूर्वक बताना चाहता हूँ, अगर आप काम करने के लिए सोच रहे हैं, हाई सैलरी पैकेज अर्न करने के लिए सोच रहे हैं, तो वेल आप लोग डिस्क्रिप्शन में अभिषेक सर का नंबर दिया हूँ, ये सारा प्रोजेक्ट अभिषेक सर हैंडल कर रहे हैं, और अमन सर का भी नंबर दिया हूँ, आप इन दोनों में से किसी एक नंबर पे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, वेल जॉब्स प्राप्त कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, ये जॉब्स टोटली फ्री है, लेकिन वैसे टाइम पास पर्सन के लिए अब कोई भी जॉब हमारे प्रोजेक्ट में नहीं रहेगा। जो आते हैं कंपनी देखते हैं और बोलते हैं चार मीनार घूमते हैं, समुद्र में घूमते हैं, तो वैसे लोगों के लिए कोई जॉब्स नहीं है, मत आइएगा, हम लोग आपको कोई भी जॉब्स नहीं दे पाएंगे। और ऑलरेडी कम से कम 15 लोग ब्लैक लिस्टेड भी है, उनको तो ज़िंदगी में कभी जॉब हम अपने प्रोजेक्ट में देंगे नहीं, बाकी दूसरे जगह जाते हैं तो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यही कहता हूँ, हर एक व्यक्ति पैसे कमाए, मेहनत से पैसे कमाए, ये सूझबूझ हमारी होती है। वेल, डिस्क्रिप्शन में अभिषेक सर का नंबर है, कॉल कीजिए, बात कीजिए, एंड टोटली फ्री है, कहीं भी 1 रुपया कहीं भी नहीं देने, आप कंपनी में जाके ज्वाइन कीजिए, आप मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए, अपने घर परिवार को अच्छे से चलाइए। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।